पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजस्थान की सीमा से सटे नीमच जिले का ये है छोटा सा गांव तारापुर। गंभीरी नदी के तट पर बसे तारापुर गांव के लोगों के हाथों का हुनर भारत की गौरवशाली कला विरासत में से एक है। यहां कपड़ों पर होने वाली छपाई कमाल की है। हस्तशिल्प में पारंगत यहां के बुनकर प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के छापों से कपड़ों पर बेमिसाल छपाई का काम करते हैं। करीब 400 सालों से तारापुर के लोग इस पुश्तैनी कला में पीढ़ी दर पीढ़ी माहिर हैं। तारापुर की आबादी करीब 1800 है। अब यहाँ के लगभग 60 परिवार तारापुर प्रिंट के हुनर से जुड़े हैं। बरसों पहले इस गांव की सभी 300 से ज्यादा परिवार इसी काम को करते थे। तारापुर की नांदना प्रिंट दूर दूर तक मशहूर है। मुख्य रूप से नांदना प्रिंट आदिवासी महिलाओं का कभी खास पहनावा हुआ करता था। कालांतर में धीरे धीरे आदिवासी समाज में ये पहनावा लुप्त होता गया, लेकिन अब इस प्रिंट को देश दुनिया के लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा तारापुर में अलीजरीन प्रिंट, इंडिगो दाबू प्रिंट, तारापुर प्रिंट, दाबू कशिश प्रिंट, दाबू अनार प्रिंट, पुरु प्रिंट और पेड़ के पत्तों से बने इको प्रिंट भी लोकप्रिय है। दक्षिण भारत समेत देश भर में लगने वाली हस्तशिल्प और वस्त्र प्रदर्शनियों में इसे खासा पसंद किया जाता है। मैं जो क्या है सर, दक्षिण भारत के 7-8 राज्यों में एग्जीबिशन लगा चुका हूँ और उसका रिस्पांस तारापुर की प्रिंट की वजह से बहुत अच्छा मिलता है। मनोबल बढ़ता है, सेल अच्छी होती है तो हमारा भी मनोबल रहता है कि भाई बार बार हम इसको लेके जाएं और सेल करें। अपनी पीढ़ियों से इस काम को सीखने वाले हुनरमंद बुनकर अब इस कला में नित नई कल्पनाशीलता, कौशल, नवाचार और रचनात्मकता के साथ तारापुर की प्रिंट को तराशने में जुटे हैं। ये कारीगरी आसान नहीं है, पर मेहनत कश हाथों के लिए कुछ भी कठिन नहीं। ये प्रिंट कॉटन और सिल्क के कपड़ों पर किया जाता है। कपड़ों की रंगाई के लिए प्राकृतिक तरीके से रंग तैयार करने पड़ते हैं। यहाँ मिट्टी, गोंद, चूना, धावड़ा के फूल, अनार के छिलके, मजेंटा रूट्स, गुड़, इमली का बीज पाउडर और आयरन का इस्तेमाल कर जैविक वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इस पूरी कला में हम जो भी सामग्री उपयोग करते हैं वो नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीज़ों से ही कलर बनाते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों से बनाते हैं, अनार के छिलके का उपयोग करते हैं, हरड़ पाउडर का करते हैं, फिटकरी का करते हैं, इससे हम कलर बनाते हैं। और लकड़ी के जो ब्लॉक हैं उस पर डिजाइनिंग करके, और पूरा काम मैन्युअली हाथ से होता है, मशीन का कहीं उपयोग नहीं होता है। इनमें जो कलर यूज़ होते हैं ये नुकसानदायक नहीं है, फायदेमंद है, इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है और मांग बढ़ रही है इसकी। पेड़ की पत्तियों और फूलों से भी छपाई की जाती है। छपाई में 20 से 25 दिन तक 18 स्टेप की लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। तारापुर प्रिंट का कपड़ा वजन में बिल्कुल हल्का और केमिकल रहित छपाई होने से सेहतमंद भी होता है। विदेशी मेहमान इस प्रिंट को बेहद पसंद कर रहे हैं। इसे इंडिया का क्लासिक कपड़ा माना जाता है। सरकार की तरफ से अभी हमको मदद तो मिल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर थोड़ी और मदद मिले, संसाधन वगैरह हमारे को और मिले, तो यकीनन हम इस काम को और बढ़ाएंगे और पूरा दुनिया में, देश में फैलाएंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। गवर्नमेंट हमको कुछ थोड़ा 1% करेगी तो हम उसको 10-10% में उसका रिजल्ट निकाल के और अच्छे से अच्छे ज़्यादा करके हम देंगे उनको। हम सबका सामूहिक प्रयास है कि पुनः हम जो परिवार हमसे बिछड़ गए हैं वापस जोड़ें और हमारे इस गाँव को पूरे प्रदेश लेवल में इसको फेमस हो, इस प्रकार का हमारा ये प्रयास है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम तारापुर प्रिंट को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तारापुर प्रिंट को देश दुनिया में पहचान दिलाने और बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ने 29 अप्रैल को मुंबई में खास फैशन शो आयोजित किया। अक्टूबर में इंदौर में भी इसी तरह का फैशन शो आयोजित किया जाएगा। तारापुर में निगम ने एक बड़ा विक्रय केंद्र भी खोला है। इंदौर के मृगनयनी एम्पोरियम में भी तारापुर प्रिंट के सभी कपड़ों की बिक्री की जा रही है। हमारा जो उद्देश्य है, इन दीदियों को, महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा जाए, जिससे ये अपने पुश्तैनी धंधे को, जो काम करती हैं, उनको एक फॉर्मल चैनल में लाया जाए। और बहुत सारी दीदियाँ स्व सहायता समूह के सदस्य बनी है और इस फॉर्मल तरीके से बिजनेस करना शुरू किया है। इसमें मार्केट लिंकेज को अवेलेबल कराने के लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट और जो भी परिसर जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे इनको स्व सहायता समूह की दुकानें और रूरल मार्ट में भी अवेलेबल कराई है स्पेस,
साथ में शासन के साथ हर शिल्प विभाग के साथ में हमारा इनका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है, जिससे 2 साल तक इन लोगों का प्रोडक्ट मृगनैनी के माध्यम से खरीदा जाएगा। हस्तशिल्पियों की इस कमाल की कला के साथ सरकार की इच्छा शक्ति जुड़कर अब न केवल भारत की इस महान बेजोड़ परंपरा को नए आयाम देगी, बल्कि कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर एक नए आत्मनिर्भर भारत को भी गढ़ा जा सकेगा।